अब की बार ये लोग सक्सेसफुल हो गए, अंदर जाकर माता रानी का, एक माता रानी का सर फोड़ दिए, दूसरा माता रानी का कमर से लेकर तोड़ दिए। मंदिर जब तोड़ता है तो ये लोग क्यों नहीं आते? पालस्तीन में कुछ होता है, इनको खुजली होती है। जो कहते हैं हिंदू भी हमारे दोस्त हैं, हम हिंदू के भी संरक्षण करते हैं, तो हिंदू मंदिर को जब तोड़ा गया है, आप आए क्यों नहीं? बस यही था मेरा मांग, सिर्फ इतना ही था। भले ही ना मुसलमानों के हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं, वो MIM के रजाकार गुंडे। इसको बचाने के चक्कर में अगर तुम लोग हिंदू मंदिरों के तरफ आंख उठा के भी देखी ना, देख लेना हम हैं इधर। तुम्हारे राजनीति, गंदी राजनीति के बीच में अगर हिंदू मंदिरों को या कोई हिंदू को बीच में घसीटने की कोशिश भी की ना तुम लोग, खबरदार। 26 तारीख जो भारत देश का कई त्योहारों के बीच एक ऐसा विशेष त्योहार जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसका इंतजार साल भर भक्तों को रहता है, उस दिन चंद्रायन गुट्टा यानी तेलंगाना में एक ऐसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो हैदराबाद MP कॉन्स्टिट्यूएंसी के दरमियान पड़ता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रात 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान रक्षापुरम एक कॉलोनी है, उसके बीचों बीच मेन रोड के बीचों बीच माता रानी का ग्राम देवता का एक मंदिर है, जिसमें दो माताओं का मूर्ति है, एक माता का नाम है भूलक्ष्मी और दूसरे माता का नाम है नल्लपोचम्मा, जो ग्राम देवता मानी जाती है। और 26 तारीख रात को 20 गाड़ियों में, तकरीबन अगर आप एक गाड़ी को एक बंदा ले लिए तो भी 20, दो लिए तो 40, मर्जी आपकी, जैसे भी लेना चाह रहे हैं आप, लोग वहां पर आकर 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में, और हालांकि उस मंदिर को लगकर 3 बड़े बड़े CCTV कैमराज हैं, MIM के गुंडे हैं, वहां के कॉर्पोरेटर ने भी जाए उसे लोग हैं, ये लोग नारा लेते हुए आकर एक बड़ा काला पत्थर से ताला को तोड़कर, इसके पहले भी इस मंदिर पर एक बार नहीं 5 बार अटैक्स हुए दरमियान 2 सालों में। बस अब की बार ये लोग सक्सेसफुल हो गए, अंदर जाकर माता रानी का, एक माता रानी का सर फोड़ दिए, दूसरा माता रानी का कमर से लेकर तोड़ दिए, और वो पत्थर वहीं छोड़कर बाहर निकल के आए, और एक होम गार्ड आजम जिनका नाम था, जो पेट्रोलिंग गाड़ी का ड्राइवर है, उनके मदद से वो लोग वहां से रफू चक्कर हो गए। जो रफू चक्कर होते हुए जिस गली के अंदर गुजरे, वो गली में MA ज्वेलर्स है, जिनका CCTV में ये रिकॉर्डेड है। अभी भगवान जाने ये CCTV चालू है नहीं है, अब ये कुछ भी बोल सकते, माहिर है ये लोग बोलने में ऐसा। जैसे कि वहां के सारे हिंदुओं को ये पता चला तो सभी वहां पर आए। 26 के रात को बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, और 27th की सुबह हम सब एकत्रित हो गए वहां पर, और सुबह के 10 बजे से लेकर मैं और मेरे साथी और उस कॉलोनी वाले, रक्षापुरम के कॉलोनी वाले, सभी एकत्रित होकर वहां पर धरने पर बैठ गए। मैं निर्जल धरना पे बैठी थी, और धरना के दरमियान सिर्फ माता रानी का नाम और स्तोत्र लेकर हम बैठे थे, और हमने एक ही गुजारिश की है, और हमारा गुजारिश था कि साहब देखिए, ये क्षेत्र जिस MP के दरमियान पड़ता है, जिस MLA के क्षेत्र में आता है, उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो इधर आए और इस हालात को देखे, और हमारे तरफ थोड़ा तो एक इंसानियत दिखा दे, क्योंकि सेक्युलर के बड़े बड़े नारे लगाते हैं ये लोग, जयमीम जयभीम के भी नारे लगाते हैं, और अगर लोग जाने तो ग्राम देवता का सबसे बड़े पूजा करने वाले मेरे ये CST और BC भाई बहनों के परिवार ज्यादा रहते हैं, तो जिन महाशय MIM के अधिनेता जयमीम जयभीम के नारा लगाता है, तो उनका तो कर्तव्य बनता है वहां पर आने के लिए। अगर उसी जगह पर कोई मस्जिद का हालत ऐसा होती
तो क्या हमारे क्षेत्र के एमपी और उस क्षेत्र के एमएलए जो जो भाई हैं, जो दोनों भाई है, जाते नहीं जाते? तो मंदिर जब तोड़ता है तो ये लोग क्यों नहीं आते? पालस्तीन में कुछ होता है, इनको खुजली होती है, और असेंबली में ये लोग निष्ठापूर्वक अपने भारत देश के प्रति दिखाने वाली बात को, ये लोग उस दिन जय पालस्तीन का नाम लेते हैं, लेकिन खुद के क्षेत्र में जो कहते हैं हिंदू भी हमारे दोस्त हैं, हम हिंदू के भी संरक्षण करते हैं, तो हिंदू मंदिर को जब तोड़ा गया है, आप आए क्यों नहीं? बस यही था मेरा मेरा मांग, सिर्फ इतना ही था। आए नहीं वो लोग, ना आने के बाद नहीं आया, ना उसके ऊपर बावजूद वहां का लोकल पुलिस से मिलकर ये लोग एक स्टेटमेंट देते हैं कि मारने वाला पागल था। अब पागल की अम्मी तो वालिदा तो रो रही है पुट पुट कर, अरे मेरा बेटा पागल है, मेरे बेटा कुछ कर नहीं सकता, ऐसा मां से ज्यादा कौन जानते हैं? जो बंदा नहीं कर सकता वो बंदा देख के क्या कर लेता है? एक ही बंदा, पहले तो एक ही था, जैसे मेरे धरना बढ़ते गई 7 जनों का नंबर निकला, उसके पहले तो एक ही था बेचारा, एक पागल, हाथ में पत्थर लिए वो आता है, किसी भी शाप को नहीं तोड़ता, ये तोड़फोड़ नहीं करता है, खुद को तोड़फोड़ नहीं करता है। अक्सर हमने देखा पागल खुद को मारता है, कपड़े नहीं पहनता है, रोड पे सड़क पे पड़े दिखता है, लेकिन ये पागल तो बड़ी होशियार पागल है, एमआईएम दारू सलाह में ट्रेंड पागल है, ये तो आता है मंदिर का सिर्फ ताला तोड़ता है, दरवाजा को खराब नहीं करता है, अंदर जाता है, दीवारों को खराब नहीं करता है, फ्लोरिंग को खराब नहीं करता है, सिर्फ दोनों माता रानी को, एक को सर और दूसरे का कमर तोड़कर पत्थर वहीं रखकर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब ऐसी सवाल मेरे से आया, अरे बड़ी होशियार पागल है, जरा सीसीटीवी में हमको दिखा दो, तब एक दो हो गए। तो इसका मतलब है ये पागल पागलपन में बाजू दोस्त का भी नुकसान नहीं करा, खुद का भी नुकसान नहीं करा, सिर्फ दो माता रानियों का नुकसान करके बाहर निकलता है। उसके बाद 7 लोगों की नंबर निकलती है। भैया मैं पूछती हूं, ऐसे कितने सालों से चलेगा इस प्रकार के दहेज हिंदू मंदिरों पर, हिंदुओं पर? और करने वाले कौन है? भले ही ना मुसलमानों के हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं, वो एमआईएम के रजाकार गुंडे हैं। ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हम डरते नहीं है बात कहने के लिए। ये क्यों हुआ है, कब कब होते आया है ऐसा? जब जब इन लोगों को रियल एस्टेट पर अपना पैसा कमाने का आइडिया बन जाता है, या उनका रियल एस्टेट के जो बिल्डिंग है उनकी हिफाजत की समस्या आती है, तो सबसे पहला काम रहता है कम्युनल राइट्स करवाना, मजहब के बीच में दंगा फसाद करवाना।